बताओ स्वाति वत्सा, मीरा इन द सिटी शुड स्टार्ट एक्चुअली, सो टेल देम अबाउट सीजन 3। गर्ल इन द सिटी में अभी तो आई थिंक जो पहले दो सीजन्स हो चुके हैं उसका एक कल्मिनेशन सा ही है ये थर्ड सीजन, जो दो सालों से मीरा करने की कोशिश में है वो फाइनली शी इज़ टेकिंग दैट डायरेक्शन नाउ इन हर लाइफ एंड फाइनली गेटिंग लर्निंग, शी इज़ फाइनली और hopefully learned from her mistakes that she's made in the past 2 years. I know that the last two seasons she's, you've only seen her struggling with people and she's only gotten into trouble, lekin is saal it's only going to be make or break. Either is saal kaun se struggles hone wale hain, abhi wo she wanted to do something on honestly there's not much that we can say right now before you actually watch it. I'm sure even you wouldn't want to hear kyunki abhi to masti wala and is baar काफी सारे twists and turns भी हैं तो इसीलिए हम आपको कुछ बता नहीं सकते अभी, आप देखिएगा। हम ज्यादा कुछ अभी बता नहीं सकते लेकिन ये जरूर बताएंगे कि हाँ आपको जरूर मजा आएगा। और इन मीराज जर्नी आई थिंक लाइक आई सेड शीज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड नाउ शी इज फाइनली टेकिंग द डायरेक्शन दैट शी इज ऑलवेज वांटेड टू एंड दिस इज इट, दिस इज मेक और ब्रेक। अगर इट कैन गो आइदर वे, इफ इट वर्क्स आउट इट्स ग्रेट, इफ इट डजंट वर्क आउट शी हैज टू गो बैक होम, सो नाउ इट्स व्हाट विल हैपन। मिथिला इन रियल लाइफ, मिथिला इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मीरा, लाइक यू आर ऑलवेज अ रेबेल, यू ऑलवेज वांट टू टेक अप चैलेंज, यू ऑलवेज डिफाइड कन्वेंशन इन योर करियर। हियर यू आर क्वाइट यू नो सबमिसिव, यू आर बीइंग डोमिनेटेड, यू आर बीइंग यू नो गिवन अ रॉ डील मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, सो हाउ डू यू इक्वेट दैट, यू नो मीरा एंड मिथिला? I think I don't need to equate it because they're two different people. So I don't think I need to equate it to make it because then how are they two different people? There are obviously some similarities, some things are similar, things are starkly different. But having said that, Meera is a rebel too. I mean, if it wasn't for the rebel in her, she wouldn't have left her home and come here. So I think there are some of those similarities. I've always said this, that the only difference, the major difference that exists between the two of us is that Meera's idea of romance and Mithila's idea of romance are very different, and Mithila is very old school for Meera that way. Which we agree. Digital ne ek naya daira diya hai, bahut sari cheezon ka, nayi kahaniyan likhne ka. Kya koi aisi kahani hai jo aap kehna chahte hain aane wale waqt mein? जब बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी तब आप सुनी लोगे। यू मीन टू से गर्ल इन द सिटी में या वैसे? सो एक्चुअली मैं न्यू एंट्रेंट नहीं हूँ, हम वी आर प्लेइंग मीराज फ्रेंड्स इन सीजन 1। आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ यू पीपल डोंट नो अबाउट इट मे बी, सो आई एम समीरा एंड ऑब्वियसली ही इज कार्तिक एंड हम मीरा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड हम सीजन 1 and 2 में भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अभी सीजन 3 में आप लोग देखेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को यू नो वी आर इनकरेजिंग देम एक्चुअली, इनकरेजिंग ईच अदर एक्चुअली इन यू नो इन देयर करियर्स, इन देयर एंडेवर्स, इन देयर रिलेशनशिप्स एक्चुअली। एंड यस, मैं अब ज़्यादा आपको बता नहीं सकती, अदरवाइज आपको स्टोरी पता चल जाएगी। रजत सर, आप चैप्टर 2 में आप एज अ शेफ थे, तो चैप्टर 1 में भी शेफ था। तो आप स्क्रीन के पीछे आपने कभी कुछ खिलाया है बना के? नहीं, मैं असली रियल लाइफ में मतलब खिलाया है मैंने लोगों को, इन दोनों को नहीं खिलाया इतना, लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट अ गुड कुक, लाइक रजत इज नॉट अ गुड कुक लाइक कार्तिक, बट मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके काइंड ऑफ सैंडविचेस, कॉफी और वो सब बना लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्वाति वो कोल्ड कॉफी अच्छी बना लेता है, जस्ट अच्छी इज एन अंडरस्टेटमेंट, मैं बहुत अच्छी, आई शुड बी द वन सेइंग दैट, बट मुझे पता है क्या बोलने वाली है, सो यस। ओके, आज आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसा ही बॉलीवुड में कोई आप लोग का फैशनिस्टा है जिसे आप फॉलो करते हैं? यार मैं तो मतलब अगर मेरे हाथ में छोड़ दिया ना तो यू विल सी मी इन पजामास, तो मेरी जो स्टाइलिस्ट है शी इज़ लाइक अ बून इन माई लाइफ, क्योंकि अगर इफ इट्स लेफ्ट टू मी तो यू विल सी मी एवरीवेयर इन पजामास। So if it's left to me or if it's not left to me, I'm still always in pajamas. So I'm always in pajamas. And our fashionista, I have actually, I have been a fashion design student, so I like dressing up a lot.
तो मुझे ऑब्वियसली बॉलीवुड में काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे कंगना बहुत पसंद है, दीपिका ऑफ कोर्स बहुत पसंद है, सोनम कपूर आलिया भी पसंद है।